हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसे हम आलू और सूजी से बनाएंगे, जिसे आप किसी बर्थडे पार्टी या किटी पार्टीज में इजीली घर पर बना सकते हैं और गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। और इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है कि बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करेंगे। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाए, हम इसमें कटा हुआ लहसुन डालेंगे। साथ ही 1 चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। फ्रेंड्स, हम इसे लो फ्लेम पर बनाएंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून मिक्स हर्ब ऐड करूँगी। अब हम इसमें 1/2 कप सूजी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इसे हम मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू ऐसे चलाते जाएंगे जब तक ये इकट्ठा ना हो जाए। देखिए, जैसे जैसे ये इकट्ठा होगा पैन से ये छूटने लगेगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। अब हम इसमें 2 उबले हुए आलू ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, मिक्सचर मेरा रेडी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे ताकि ये हाथ में चिपके ना। अब हम इसमें छोटा सा पेड़ा लेंगे और इसको ऐसे राउंड शेप देके इसके बीच में से हम ऐसे होल कर देंगे, जो फ्रेंड्स देखने ही बहुत अच्छे लगते हैं और जब इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। देखिए इसको बनाना कितना आसान है। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। अब मैंने एक बाउल में मैदे और पानी से स्लरी बना रखी है, इसमें हम इसको डिप करेंगे। साथ ही ये ऊपर से और ज़्यादा क्रिस्पी हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में ब्रेड क्रम्स लिए हैं। क्रम से इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। ऐसे करने से ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और अंदर तक क्रिस्पी भी हो जाते हैं। इसी तरह हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और हमने जो बनाए हैं उसे एक एक करके इसमें डालेंगे। हम मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने में टोटल 4 to 5 मिनट्स लग जाएंगे। हम इसको ऐसे पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। बस हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही हम अपना दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत अच्छे क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इसको किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। देखिए, है ना बहुत इजी बनाने में, और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। मैंने इन्हें सर्व किया सॉस के साथ, तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।